अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ पैरेटल लोब, और इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं सरफेसेस ऑफ सेरिब्रम, फंक्शनल एरियाज ऑफ फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को भी हमने डिस्कस कर लिया। सो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उन वीडियोस को भी जरूर देख लें। सो बेसिकली जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो एक हमारे ब्रेन के अंदर चार लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। और ये बात हमें पता है कि जो फ्रंटल लोब होता है हमारा वो डोमिनेंटली मोटर होता है, यानी हमारी मोटर एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं फ्रंटल लोब से। और जो पैरेटल लोब होता है हमारा वो डोमिनेंटली सेंसरी होता है, यानी जितनी हमारी सेंसरी इनपुट्स होते हैं वो हमारे पैरेटल लोब पर जा रहे होते हैं। सो अभी जो हम फंक्शनल एरियाज को डिस्कस करेंगे पैरेटल लोब के अंदर, तो मोस्टली जो फंक्शनल एरियाज होंगे वो कंसर्न होंगे विद द सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, नंबर वन हम डिस्कस करेंगे वी हैव प्राइमरी सेंसरी एरिया, नंबर टू पे हम सेकेंडरी सेंसरी एरिया, नंबर थ्री सेंसरी एसोसिएशन एरिया, नंबर फोर सेंसरी स्पीच एरिया, और नंबर फाइव पे हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स को। लेकिन इन सब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि सलसाए और जराए किस तरीके से प्रेजेंट है पैरेटल लोब के ऊपर। लेकिन अगर आपने मेरी सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पहले से पता होगा कि किस तरीके से सलसाए और जराए अरेंज होते हैं पैरेटल लोब के ऊपर। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये फ्रंटल लोब है, ये पैरेटल लोब है। सो एक मेन सलसाए है जो सेपरेट कर रहा है फ्रंटल लोब को विद द पैरेटल लोब के साथ, उसे हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस। तो इन मिड लाइन में हमारे पास प्रेजेंट है सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस से आगे फ्रंटल, पीछे पैरेटल लोब। अब हम पीछे जाते हैं अगर सेंट्रल सल्कस से, तो एक सल्कस प्रेजेंट होता है हमारे पैरेटल लोब के अंदर, इस सल्कस को हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल सल्कस। अब सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के दरमियान जो जायरस प्रेजेंट है इन द पैरेटल लोब, इस जायरस को हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल जायरस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पोस्ट सेंट्रल जायरस। अब पोस्ट सेंट्रल सल्कस से अगर हम पीछे आए तो पैरेटल लोब के अंदर एक ऑब्लिकली एक सल्कस प्रेजेंट होता है, इस सल्कस को हम कहते हैं इंट्रा पैरेटल सल्कस। इंट्रा मीन विद इन, सो इंट्रा पैरेटल सल्कस, पैरेटल लोब के अंदर सल्कस प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं इंट्रा पैरेटल सल्कस। इंट्रा पैरेटल सल्कस बेसिकली जो पैरेटल लोब है उसको दो लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देगा। वैसे अगर हमने ब्रेन में देखा था तो सल्कस डिवाइड कर रहे थे जायराए में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पैरेटल लोब को इंट्रा पैरेटल सल्कस दो लोब्यूल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इंट्रा पैरेटल सल्कस से ऊपर वाला जो पैरेटल लोब का पार्ट होगा उसे हम कहेंगे सुपीरियर पैरेटल लोब्यूल, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसे हम कहेंगे इन्फीरियर पैरेटल लोब्यूल। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखते हैं ये लैटरल सल्कस है, ये लैटरल सल्कस का पोस्टीरियर रमाई है। ठीक है, लैटरल सल्कस का पोस्टीरियर रमाई लिटल बिट एक्सटेंड कर रहा होता है इनटू द पैरेटल लोब। और अगर नीचे देखें ये हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, और ये भी लिटल बिट एक्सटेंड कर रहा होता है इनटू द पैरेटल लोब। अब जो जायराए प्रेजेंट होता है अराउंड द, इनके एक्सटेंशन के अराउंड पे जो जायराए प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बेसिकली पोस्टीरियर रमाई है सेंट्रल सल्कस का, इसके अराउंड पे जो जायरस प्रेजेंट होता है इन द पैरेटल लोब उसे हम कहते हैं सुपीरियर, ठीक है, सुपरा मार्जिनल जायरस। और जो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस के अराउंड पे जायरस प्रेजेंट होता है इन द पैरेटल लोब उसे हम कहते हैं एंगुलर जायरस। इसके अलावा लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस है, ये लिटल बिट एक्सटेंड कर रहा होता है मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम पे भी। ठीक है, ये मैंने मीडियल सरफेस ड्रॉ किया सेरिब्रम का, ये हमारे पास लिटल बिट एक्सटेंड कर रहा है सेंट्रल सल्कस। ठीक है, ये सेंट्रल सल्कस है जो लिटल बिट एक्सटेंड कर रहा है ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम पे भी। अब सेंट्रल सल्कस से आगे क्या है फ्रंटल लोब का पार्ट, प्री सेंट्रल जायरस। ठीक है, पीछे क्या है पोस्ट सेंट्रल जायरस। ये दोनों जायरस हैं जो प्री और पोस्ट, ये भी लिटल बिट एक्सटेंड कर रहे होते हैं ऑन द मीडियल सर्फेस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस, इससे आगे एक्सटेंशन है प्री सेंट्रल सल्कस की, इससे पीछे प्रोजेक्शन, इससे पीछे एक्सटेंशन है पोस्ट सेंट्रल सल्कस की। सो ये जो एरिया होगा अराउंड द सेंट्रल सल्कस, इस बेसिकली एरिया को हम कहते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल, जिसे अभी हम आगे आके डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ पैरेटल लोब का। ठीक है, तो फंक्शनल एरियाज ऑफ पैरेटल लोब में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेंसरी एरिया, जिसे हम कहते हैं SM1, या फिर इसे हम कहते हैं प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया। और ब्रॉडमैन ने इसे आइडेंटिफाई किया था एज एरिया 312,
और ये आइडेंटिफाई किया था इन द पोस्ट सेंट्रल जायरस। ठीक है, जो पोस्ट सेंट्रल जायरस है इसे हम कहते हैं एरिया 312। और एरिया 312 इस तरीके से अरेंज होता है, यानी एंट्रो पोस्टीरियरली अरेंज होता है। ये एंटीरियर पार्ट होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। सो एंटीरियरली वी हैव एरिया 3, उसके बाद एरिया 1 और एरिया 2। तो एरिया 312 पोस्ट सेंट्रल जायरस के अंदर अरेंज होता है एंट्रो पोस्टीरियरली। ठीक है, और जो हमारा प्राइमरी सेंसरी एरिया होता है, कंसर्न होता है हमारी टच सेंसेशन। ठीक है, टच सेंसेशन, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, पेन। ठीक है, जो सारी प्रेशर, ये सारी सेंसेशन आ रही होती हैं, वो आ रही होती हैं एरिया 312 पे और कॉन्ट्रालेटरल साइड से। यानी अगर राइट साइड का प्राइमरी सेंसरी एरिया है एरिया 312, उसके बाद जो सेंसेशन आएंगे वो लेफ्ट साइड से आएंगी। ठीक है, सो ये सेंसेशन लेफ्ट साइड से आ रही होती हैं एरिया 312 के ऊपर। और जैसे फ्रंटल लोब के अंदर हमने बात की थी मोटर होमनकुलस की, अगर आपको याद हो, तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि सेंसरी जो हम पैराइटल लोब है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंसरी होमनकुलस। तो बेसिकली होमनकुलस क्या होता है कि फॉर ये हमारा बेसिकली प्राइमरी सेंसरी एरिया। इस प्राइमरी सेंसरी एरिया के ऊपर हमारी पूरी बॉडी लोकेट रिप्रेजेंट हुई होती है। ठीक है, प्रिंट हुई होती है, फॉर सपोज सिंपल वर्ड में प्रिंट हुई होती है। फॉर सपोज यहाँ पे मेरा हेड प्रिंट है, तो मेरी हेड की सेंसेशन इस जगह जाएगी। यहाँ ट्रंक है, तो ट्रंक की सेंसेशन यहाँ। यहाँ लोअर लिम है, तो ट्रंक की जो लोअर लिम की सेंसेशन होगी वो यहाँ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी जो एरिया 312 पे रिप्रेजेंटेड होती है, और ये सेंसरी एरिया है इसलिए हम इसको कहते हैं सेंसरी होमनकुलस। ठीक है, और यहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी? फॉर सपोज अगर आपके जहन में ये आए कि जो बॉडी पार्ट बड़ा होगा ज़्यादा, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली यहाँ क्या है कि वो वाला बॉडी पार्ट जिसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी सेंसरी रिसेप्टर्स जिस बॉडी पार्ट के पास ज़्यादा होते हैं, उस बॉडी पार्ट की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बॉडी ड्रॉ की है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी फिंगर्स होती हैं और थंब होता है, इनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है। फिंगर्स के अंदर भी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर प्राइमरी सेंसरी एरिया पर ज़्यादा होती है। हमारी हैंड की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है, हमारे लिप्स की, हमारे टंग की, इन सब एरियाज़ की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर जिस हमारे ऑर्गन या जिस बॉडी पार्ट की के पास सेंसरी रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। और जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इन्वर्टेड होती है, यानी ये जो बॉडी है वो इस तरीके से बिल्कुल सीधी यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी, बल्कि उल्टी करके प्रिंट हुई होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अपसाइड डाउन। यहाँ पे हेड होगा, नेक होगा, अपर लिम, ट्रंक, ठीक है, उसके बाद लेग्स, और उसके बाद थाइज और लेग्स। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से इन्वर्टेड में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हमारा ये हेड है, ठीक है, ये अपर लिम, ट्रंक, और यहाँ तक ये लेग, नीज तक। ठीक है, नीज तक का जो एरिया होता है हमारा वो यहाँ पर इन्वर्टेड प्रिंट होता है, यानी ठीक है, हेड होगा और यहाँ पर आखिर में नीज आके रुक जाएंगे। ठीक है, नीज तक का एरिया सुप्रोलैटरल सरफेस पे प्रेजेंट होगा। बाकी का जो एरिया होता है लेग का, फुट का, और जो पेरिनियम रीजन है, ये वाला एरिया प्रेजेंट होगा हमारे यहाँ पर मीडियल सरफेस के ऊपर। ठीक है, सो अब हम आते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल के ऊपर। ठीक है, पैरासेंट्रल लोब्यूल, पैरासेंट्रल लोब्यूल का पोस्टीरियर पार्ट क्या है? पोस्ट सेंट्रल जायरस। एंटीरियर पार्ट क्या है? प्री सेंट्रल जायरस। सो पोस्ट सेंट्रल जायरस में हमारे पास, ठीक है, पोस्ट सेंट्रल जायरस पे सेंसरी इनपुट कहाँ से आएगा? लेग से, फुट से, पेरिनियम से। आगे वाला रीजन क्या है? प्री सेंट्रल जायरस। प्री सेंट्रल जायरस को हमने डिस्कस किया था फ्रंटल लोब के अंदर, और जो प्री सेंट्रल जायरस का ये वाला एरिया होगा वहाँ पर मोटर एक्टिविटीज कंट्रोल होंगी लेग की, फुट की, और पेरिनियम की। ठीक है, सो जो हम बेसिकली कहते हैं जो पैरासेंट्रल लोब्यूल होता है उसका एंटीरियर पार्ट मोटर है, पोस्टीरियर सेंसरी है, और ये वाला जो पार्ट है ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारी यूरिनेशन को और डेफिकेशन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरिनियम रीजन भी यहाँ पे कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरासेंट्रल लोब्यूल आ गया, और इस तरीके से इन्वर्टेड होती है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आप सेंसेशंस की बात की, मैंने बताया टच सेंसेशंस, पेन सेंसेशन, टेम्परेचर की सेंसेशन, ये सारी प्राइमरी सेंसरी एरिया पर आ रही होती हैं। तो आप अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड में असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़े, तो असेंडिंग ट्रैक्ट में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है हमारे पास, फेसिकुलस, क्यूनेटस और डॉर्सेलिस। ठीक है, जो हमारे पास फेसिकुलस है डॉर्सल कॉलम पाथवे के अंदर, वो सब बेसिकली थैलेमस पे जा रहे होते हैं। अब थैलेमस के अंदर दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस होते हैं, वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरल न्यूक्लियस और वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस। यहाँ पर ये सेंसेशन आ रही होती है, और यहाँ से थ्रू द प्रोजेक्शन फाइबर्स वो सेंसेशन मूव करती हैं इन प्राइमरी सेंसरी एरिया, एरिया 3
वन टू फ्रॉम पोस्ट्रो मीडियल फ्रॉम वेंट्रल पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस और वेंट्रल पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से प्रोजेक्शन फाइबर्स ये सेंसेशंस लेकर आ रहे होते हैं इन एरिया 3, 1, 2। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहे होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो एरिया 3 होता है हमारा वो कंसर्न होता है विद कुटेनियस सेंसेशंस। ठीक है, एरिया 3 कुटेनियस सेंसेशन में शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। ठीक है, एरिया 3 कंसर्न होता है विद कुटेनियस सेंसेशंस, जैसे कि पेन है, टेम्परेचर है। ठीक है, पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, जो कुटेनियस सेंसेशंस होती हैं वो आ रही होती हैं एरिया 3 पर। जो हमारा एरिया 2 है, ठीक है, एरिया 1 के बाद एरिया 1 है। एरिया 1 के पास कुटेनियस सेंसेशंस प्लस जॉइंट्स सेंसेशंस, हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ से जो सेंसेशंस आएंगे और कुटेनियस सेंसेशंस भी, वो एरिया 1 पर जा रही होती हैं। अब एरिया 2, ठीक है, एरिया 2 के ऊपर बेसिकली डीप सेंसेशंस आ रही होती हैं फ्रॉम मसल्स और जॉइंट। ठीक है, जो डीप सेंसेशंस आ रही होती हैं हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस आ रही होती हैं मसल्स और जॉइंट से, वो आ रही होती हैं एरिया 2 पे। ठीक है, एरिया 3 कुटेनियस सेंसेशंस, एरिया 1 कुटेनियस प्लस जॉइंट जॉइंट सेंसेशंस, और एरिया 2 पे डीप सेंसेशंस फ्रॉम मसल्स एंड जॉइंट इस तरीके से आ रही होती हैं। फॉर सपोज अगर प्राइमरी सेंसरी एरिया हमारा डैमेज हो जाएगा क्या कंडीशन होगी? अब नॉर्मल सी बात है, अगर प्राइमरी सेंसरी एरिया डैमेज हो रहा है तो ये सेंसेशन यहाँ पर नहीं आएंगी, तो सेंसरी लॉस होगा हमारा इसका। ठीक है, पेन टेम्परेचर टच ये सब सेंसेशन लॉस हो जाएंगी। लेकिन कुछ टाइम बाद, जैसे कि अभी अगर किसी पेशेंट को ये एरिया डैमेज हुआ है तो फॉर अ टाइम बीइंग ये सेंसेशन लॉस हो जाएंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो थैलेमस होता है, थैलेमस इस जो प्राइमरी सेंसरी एरिया इसके फंक्शन को ओवरटेक कर लेता है और ये खुद इंटरप्रेट करने लग जाता है एबनॉर्मली, और जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्रूड पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्रूड पेन होना शुरू हो जाता है पेशेंट के अंदर जिसका प्राइमरी सेंसरी एरिया डैमेज होता है, क्योंकि उसके बाद जो थैलेमस है वो उसको इंटरप्रेट करने शुरू कर देता है उन सेंसेशंस को। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी सेंसरी एरिया, एरिया 3, 1, 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सेंसरी एरिया, जैसे हम सेकेंडरी सोमैटो सेंसरी एरिया भी कहते हैं, यानी SM2। अब ये कहाँ लोकेटेड होता है? बेसिकली ये मैंने आपको बताया पोस्टीरियर रैमाई या लेटरल सल्कस का, लेटरल सल्कस का जो पोस्टीरियर रैमाई होता है, ठीक है, इसका जो सुपीरियर लिप है, लेटरल सल्कस का एक सुपीरियर और इन्फीरियर लिप होता है ना, तो सुपीरियर लिप ऑफ लेटरल सल्कस जो पोस्टीरियर रैमाई होता है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सेंसरी एरिया, और सेकेंडरी सेंसरी एरिया के ऊपर भी हमारी बॉडी प्रिंट हुई होती है जैसे प्राइमरी सेंसरी एरिया पे थी। और बॉडी कैसे प्रिंट होगी? एंट्रोपोस्टीरियरली, यहाँ हेड होगा, ये नेक होगा, ये ट्रंक, ये लोअर लिम्ब, और ये हमारे पास अपर लिम्ब। तो इस तरीके से हमारी बॉडी प्रिंट होती है सेकेंडरी सेंसरी एरिया पर, और बॉडी बायलैटरली प्रिंट होगी। हमने जो प्राइमरी सेंसरी एरिया पर यूनिलैटरली किया था कि अपोजिट साइड की बॉडी प्रिंट होती है, ठीक है, कॉन्ट्रालैटरली, यहाँ पर बायलैटरली प्रिंट होती है लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट कॉन्ट्रालैटरल साइड की बॉडी होती है। ठीक है, और बेसिकली ये जो फंक्शन होता है सेकेंडरी सेंसरी एरिया का वो अभी क्लियर नहीं है, इस पर रिसर्च हो रही है, और इसके जो कनेक्शंस होते हैं वो भी अभी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है कि किस तरीके से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट ब्रेन के पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। और रिसर्च में ये पता लगा है कि जो पेन फाइबर्स होते हैं कुछ वो यहाँ पर आ रहे होते हैं इन द सेकेंडरी सेंसरी एरिया, और अगर सेकेंड और कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे कैंसरस पेशेंट होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, अगर उन पेशेंट के अंदर सेकेंडरी सेंसरी एरिया को अब्लेट कर दें, एब्लेशन कर दें इसकी, यानी डैमेज कर दें सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए, तो उनके अंदर पेन कम हो जाता है। तो उस बात से पता लगा है कि यहाँ पे पेन के फाइबर्स आ रहे होते हैं, और ये यूज़फुल होता है कि अगर जिनमें क्रूड पेन होता है जिन पेशेंट्स के अंदर, उन अगर इसको अब्लेट कर दें तो उनका जो पेन सेंसेशन होती है वो कम, जो पेन परसीव हो रहा होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्राइमरी सेंसरी एरिया ही करेंगे तो मैंने आपको अभी बताया कि थैलेमस ओवरटेक कर लेता है और फिर क्रूड पेन पेशेंट में बढ़ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एब्लेशन यूज़फुल होती है सेकेंडरी सेंसरी एरिया की उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर क्रूड पेन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी सेंसरी एरिया आ गया। उसके बाद नंबर 3 में हमारे पास है सेंसरी एसोसिएशन एरिया, एरिया 5-7। ठीक है, ब्रॉडमैन एरिया 5 और 7, और ये कहाँ लोकेटेड है आपको ये पता होगा, इंट्रापैरेटल सल्कस। इंट्रापैरेटल सल्कस से ऊपर क्या है? सुपीरियर पैरेटल लोब्यूल। तो सुपीरियर पैरेटल लोब्यूल के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ब्रॉडमैन एरिया 5 और 7। और बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ कि हमारी सेंसरी मेमरीज होती हैं
वो स्टोर होती हैं एरिया 5 और 7 में, ठीक है, सेंसरी एसोसिएशन एरिया में। अब सेंसरी मेमोरी स्कैन, आप सर्दी में जा रहे हैं आपको पता लग रहा है ये सर्दी हो रही है, आप गर्मी में जा रहे हैं आपको पता लग रहा है ये गर्मी हो रही है, क्यों, आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से सर्दी और गर्मी के, ठीक है, तो वो स्टोर है यहाँ पर। अगर आपको मैं कहूँ आपकी आईज क्लोज कर दूँ और मैं आपके हाथ में मोबाइल दे दूँ तो आप इजीली बता सकते हैं उसकी डायमेंशन देख करके ये मोबाइल है, क्यों, आपके पास पहले से पास्ट एक्सपीरियंस की मेमोरी स्टोर है। तो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं ये होते हैं सेकेंडरी एसोसिएशन एरिया में। और ये जो एबिलिटी है आपकी कि आप आईज क्लोज करके भी किसी चीज़ को अगर आप पकड़ते हैं, मोबाइल को पकड़ रहे हैं, तो आप पास्ट एक्सपीरियंस से बता सकते हैं ये मोबाइल है। तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस, ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्टीरियोग्नोसिस, ठीक है, इस एबिलिटी को हम कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस। सो फॉर सपोज अगर हमारा सेंसरी एसोसिएशन एरिया एरिया 5-7 अगर डैमेज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। सो मैंने अभी बताया आपको कि ये एरिया हमारा जो सेंसरी मेमोरी होती है उसको स्टोर कर रहा होता है, ठीक है, और आईज क्लोज करके भी अगर आप एक चीज़ को बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ है तो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप बता रहे हैं। तो अगर ये डैमेज हो रहा है तो क्या कंडीशन होगी उसमें, उस कंडीशन को हम कहते हैं टैक्टाइल एग्नोसिया, टैक्टाइल एग्नोसिया या फिर और ए स्टीरियोग्नोसिस, ठीक है, ये स्टीरियोग्नोसिस था तो ए स्टीरियोग्नोसिस, ठीक है, ए स्टीरियोग्नोसिस। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मैं फॉर सपोज अगर कोई पेशेंट है, अब मैं उसको अगर उसने मोबाइल पूरी जिंदगी पहले चलाया हो लेकिन अगर मैं उसको आईज क्लोज कर उसको मोबाइल उसके हाथ में दे दूं तो वो नहीं पहचान पाएगा ये क्या चीज़ है, लेकिन जैसे ही वो आईज खोलेगा तो वो बता देगा क्योंकि उसकी विजुअल मेमोरी की वजह से। लेकिन उसकी जो सेंसरी मेमोरी होगी वो लॉस हो जाएगी अगर सेंसरी एसोसिएशन एरिया डैमेज हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होता है टैक्टाइल एग्नोसिया या फिर ए स्टीरियोग्नोसिस इस कंडीशन को हम कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया जो स्पीच एरियाज हैं उनको हम मैंने उनको फ्रंटल लोब में डिस्कस किया। फ्रंटल लोब में हमारे पास था ब्रोकास एरिया जो कि मोटर स्पीच एरिया था, ठीक है, एरिया 44-45 मैं अभी बोल पा रहा हूँ, इट इज़ ड्यू द ब्रोकास एरिया। अगर ब्रोकास एरिया डैमेज होता है तो उस कंडीशन को मैंने आपको बताया था एक्सप्रेसिव एफेजिया, मैं बोल नहीं पाऊंगा। उसके बाद हमने एरिया 22 उसको डिस्कस किया था टेम्पोरल लोब के अंदर जो सेंसरी स्पीच एरिया था, ठीक है, टेम्पोरल लोब के जो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेंसरी स्पीच एरिया एरिया 22 जो होता है बेसिकली वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया क्या था, अगर वर्निक्स एरिया डैमेज हो रहा था मैंने आपको बताया था उस कंडीशन को हम कहते हैं रिसेप्टिव एफेजिया। और वर्निक्स एरिया क्या कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वर्निक्स एरिया डैमेज होगा तो मुझे ये नहीं पता होगा मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल पाऊंगा लेकिन मुझे ये नहीं पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई चीज़ रीड कर रहा हूँ लेकिन वर्निक्स एरिया अगर डैमेज होगा तो मैं उस सेंटेंस को इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो वर्निक्स एरिया का मैंने ये आपको बताया था टेम्पोरल लोब के अंदर। अब बेसिकली जो पैराइटल लोब है इसके अंदर भी दो एरियाज हैं, एरिया 39-40, ठीक है, सुपरा मार्जिनल जायरस एरिया 40, एंगुलर जायरस एरिया 39, इन्हें भी हम इंक्लूड करते हैं सेंसरी स्पीच एरिया में जो कि प्रेजेंट है इन द पैराइटल लोब। और ये बेसिकली कि कंसर्न होते हैं विद द रीडिंग राइटिंग, हम नंबर प्रोसेसिंग करते हैं, ये कैलकुलेशंस करते हैं और जो नेमिंग करते हैं। सो ये जो हमारे जो फंक्शंस होते हैं ये कंट्रोल होते हैं बाय सुपरा मार्जिन और एंगुलर जायरस, ठीक है, एरिया 39 और 40 जिन्हें हम इंक्लूड करते हैं इन सेंसरी स्पीच एरिया, ठीक है। सो फॉर सपोज अगर ये डैमेज हो जाते हैं, एंगुलर जायरस और सुपरा मार्जिनल जायरस अगर डैमेज हो जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें लॉस्ट होंगी। मैंने कहा ये रीडिंग कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से रीड कर पा रहे हैं हम, इसकी वजह से अगर एक डैमेज होगा तो आप प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, ठीक है, पेशेंट प्रॉपरली रीड नहीं कर सकता, उस कंडीशन को हम कहेंगे एलेक्सिया, ठीक है। आपने काफ़ी हॉस्पिटल में डिसलेक्सिक पेशेंट्स देखे होंगे तो उनकी यही प्रॉब्लम होती है। अगर हम नंबर प्रोसेसिंग यानी जो कैलकुलेशंस करनी होती है मैथमेटिक्स के अंदर वो नहीं कर पाएंगे, जैसे हम कहेंगे ए कैलकुलिया, अब नंबर प्रोसेसिंग क्या, अगर आप उसे कहेंगे 2+2 पेशेंट नहीं बता सकता 4 है, क्यों, क्योंकि वो नहीं कर सकता नंबर प्रोसेसिंग। उसके बाद राइटिंग, वो प्रॉपरली राइट नहीं कर सकता, उस कंडीशन को हम ए ग्राफिया, और वो प्रॉपरली नेमिंग नहीं कर सकता यानी वो अपना नाम नहीं बता पाएगा, अपने घर वालों का नाम नहीं बता जाएगा भले उसे पहले कब से पता हो लेकिन वो अपना नाम वगैरह कुछ नहीं बता पाएगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं एनोमिया। सो अगर एरिया 39-40 डैमेज होता है सुपरा मार्जिनल जायरस और एंगुलर जायरस तो ये कंडीशन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स, ठीक है, लास्ट है हमारे पास एरिया 43। अब गस्टेटरी के लफ्ज़ से आप पता लगा सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू द हमारी टंग टेस्ट सेंसेशन, ठीक है, जो टेस्ट सेंसेशन हो रही होती हैं वो प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स ब्रॉडमेन एरिया 43 के पास आ रही होती है। ये कहाँ लोकेटेड है,
जो लोअर पार्ट होता है पोस्ट सेंट्रल जायरस का, यहाँ पर एरिया 43% होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स। सो ये सारे एरियाज से प्राइमरी सेंसरी एरिया, सेकेंडरी सेंसरी एरिया, सेंसरी एसोसिएशन एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया में डिस्कस किया 39-40 और प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शनल एरियाज ऑफ द पैराइटल लोब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें।